दिन लेट नाइट पार्टी की वजह से सर में बहुत दर्द हो रहा है। कमलेश, लगता है मेम साहब आ गई। अरे कमलेश। हाँ आए मेम साहब। जल्दी आओ यार। हाँ हाँ आया आया मैडम। अरे आप आ गए मैडम। हाँ मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कड़क चाय बना के लाओ अदरक डाल के। मैडम आपका सर दर्द हो रहा है तो एक काम कर दो, आपका सर दबा देता हूँ। मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो ना, तुम्हें चाय बनाने बोला ना, ज्यादा सर पे मत नाचो, बाप नहीं हो तुम मेरे। जाके चाय बना के लाओ। ठीक है मैडम। मैडम वो सर आप कहो तो एक बार का समझ नहीं आता है। ठीक है मैडम। और अच्छा सुन। हाँ मैडम। चाय मेरे कमरे में लाके दे देना। हाँ ठीक है कमरे में लेके आता हूँ। अरे यार ऐसे भी हम मेम साहब को क्या गलत बोल दिए थे, इतना ही बोले थे कि सर दबा देते हैं, अब उनको कैसे बताएं हम के कितनी चिंता करते हैं हम उनकी, हमसे नहीं देखा जाता उनका दुख, सर ही तो दबाना चाहते थे पर मेम साहब को हमारा प्यार दिखता ही कहाँ है, और दिखेगा भी कैसे, हम ठहरे गरीब आदमी, हम गरीब लोगों को तो प्यार करने का कोई हक होता ही नहीं है। खैर छोड़ो, मेम साहब ने कहा है चाय बना दे तो चाय बना देते, सर दबाने का तो मौका नहीं मिला, कम से कम चाय पिला देते। मैं भी ना बस सर दबाने का ही तो बोल रहा था, फालतू का सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दिया, क्या ही बुरा बोल रहा था, सर दबाने का ही तो बोल रहा था, मैं भी ना पूरा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दी, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल गया। और वैसे भी इतने कम पैसे में कहाँ ही मिलते हैं नौकर, क्या करूँ। अगर ये चला गया ना तो घर का सारा काम मुझ पे आ जाएगा, उसको बुरा लगा है उसके लिए उसको सॉरी बोल के आती हूँ, एटलीस्ट सुनेगा तो मेरी। पता है मैडम ये क्या है, ये है बेहोशी की दवा। होश में तो हम अपने दिल की बात आपको बता नहीं सकते, तो क्या करें मैडम, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, शायद बेहोशी में ही हम आपसे प्यार कर ले। कितना प्यार करते हैं मैडम हम आपसे, पर हमारी प्यार की ना आपको तो कदर ही नहीं है। गरीब जो ठहरे, और जानते हैं हम गरीबों को तो प्यार करने का कोई हक नहीं होता, पर हम अपना हक लेना जानते हैं मैडम, और हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि वैसे भी मालिक भी घर पे नहीं है, तो इस चीज़ का फायदा उठाना तो बनता है। आपके होठों को तो नहीं चूम सकते, शायद इसी तरीके से हम आपको चूम ले। अभी चलते हैं। ये कमलेश इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ क्या करूं। इसका मतलब ये पहले भी मेरे साथ ऐसे कर चुका है क्या, इसने पहले भी चाय में मुझे मिला के दिया है तभी मुझे सर में दर्द रहता है, क्या करूं मैं, किसे बताऊं। अरे घर से फोन। हाँ बेबी। तुम कहाँ हो?
कुछ नहीं, ऑफिस के बाहर था, बस घर के लिए निकलने वाला था। जो भी काम कर रहे हो अभी के अभी छोड़ के आओ। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ, तुम्हें पता है अपना जो नौकर कमलेश है वो मेरी चाय में बेहोशी की गोली मिला रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो मुझे बेहोश करके मेरा फायदा उठाना चाहता है। उस दो कोड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं बताता हूँ। मेरे से जितना होगा मैं उतना रोक सकती हूँ, पर तुम कोशिश करो कि प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। तुम घबराओ मत, मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। हाँ अच्छा, और सुनो, उसकी दी हुई चाय पीना मत, बहाना करना कि तुम पी चुके और बेहोश हो जाना। मैं पहुंच रहा हूँ, उसको तो रंगे हाथ पकड़ूंगा। ओके। इस नौकर को तो मैं बताता हूँ। आखिर ये कमलेश मेरे साथ करना क्या चाह रहा है? मेरे चाय में नशे की गोली क्यों मिला रहा है? क्या बुरा किया है मैंने उसका? अगर उसे मेरी बात बुरी लगी है या कोई और बात है? आज मैं ना ये सच पता करके रहूंगी, ये करना क्या चाहता है, और इसका है ना असली चेहरा तो देख के रहूंगी। मैडम, मैडम, ये आपकी चाय। हाँ यार, रख दो, मैं पी लूंगी बाद में। क्या हो गया? वो चाय मैडम, पी लीजिए। मैंने कहा ना मैं पी लूंगी, अब क्या सर पे खड़े रहोगे? नहीं मैम, वो ठंडी हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है मुझे कब पीना है कब नहीं पीना है, तुम जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है मैडम, हम जाते हैं। और जाते जाते डोर लॉक कर देना। हाँ ठीक ठीक मैडम। तुझे क्या लगा तू मेरा फायदा उठाएगा? अब देख मैं तेरी बैंड कैसे बजाती हूँ। अब उसे लगेगा मैंने उसकी दी हुई चाय पी ली, अब आएगा मजा। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, तो पूरी चाय भी गई और लगता है दवा ने अपना असर कर दिया। पता है मैम साहब, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, पर आपको तो हमारे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। हाँ, और कदर होगी भी कैसे, गरीब हूँ ना मैम साहब, गरीब के प्यार की कोई कदर नहीं होती। और बस अपना प्यार पाने के लिए अब मैम साहब आपके और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। अपना प्यार हम अब पाके रहेंगे। क्या कर रहा था तू ये? वो सब कुछ नहीं, वो बस वो चाय। तुझे क्या लगा तेरी चाय पीके मैं बेहोश हो जाऊंगी? ओ मैम साहब, वो चाय का कप लेने आया था मैं। चुप, बिल्कुल चुप। बकवास बंद रख, वो सब जानते हैं, उन्हें सब बता दिया मैंने। तुझे क्या लगा तेरा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा? उसने मुझे सब बता दिया कि क्या मिलाया तूने उस चाय में, क्योंकि जब तू ये मिला रहा था ना तो उसने तुझे मिलाते हुए देख लिया था। दो कोड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू मेरी घरवाली पे नजर डालेगा? हैं, इसी गरीबी पर तरस खाकर तुझे काम पर रखा था और तू तू ये सब करेगा? शर्म नहीं आती तुझे? सब गलती होगी, सब गलती हो गई, सब माफ कर दीजिए। इसने माफी लायक गलती की है? नहीं, इस इंसान को माफी नहीं मिलनी चाहिए। ये तुम्हारी बीवी का फायदा उठा रहा था, इसे तो कड़ी की कड़ी सजा दो। सुन मेरी बात, जो तूने हरकत की है ना उसके बदले अब तुझे पूरी जिंदगी
जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, समझा? नहीं सब, हमको जेल मत लेके जाइए सब, प्लीज। चुप, ये सब कुछ तुझे करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे तेरे पे भरोसा करे, तुझे घर पे रखा था, अपने पीछे भी तुझे घर की जिम्मेदारी सौंपता था कि तू इस घर का और अपनी मालकिन का ख्याल रखेगा, और लेकिन तू क्या कर रहा था, उस पर ही बुरी नजर डाल रहा था। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा था तू। बहन गई तो साहब, माफ कर दो। माफ कर दो? तुझ जैसे इंसान को माफी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुझे सजा मिलना जरूरी है। क्योंकि अगर तुझे सजा नहीं दूंगा ना, तो तू फिर किसी और के साथ ये घर का दोबारा करेगा, समझा? जो तूने किया है उसकी सजा तो तुझे मिल के रहेगी, और अब पूरी जिंदगी तू जेल की चक्की पीसेगा। चल मेरे साथ। साहब जी, जिस पे भरोसा करती हूँ वही भरोसा तोड़ के चला जाता है, क्या होगा पता नहीं।